नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आया हूं, जिससे आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और आपका भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो बात काफी पुराने जमाने की है, जब नारियल मात्र 2 रुपए में मिला करता था। आजकल तो 20-22 रुपए लगते हैं, लेकिन बात उस समय की है जब नारियल मात्र 2 रुपए में मिला करता था। तो एक आदमी था, वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस भी इतना कि हम इसको उसको यदि मक्खी चूस कर दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका नाम इसीलिए लोगों ने निकाल रखा था, भीखू भाई। तो भीखू भाई आखिर क्या करता है, किस तरह से उस कंजूसी में फंसता जाता है और आखिर उसके साथ क्या हादसा होता है, कृपया इस कहानी को पूरी सुने। तो होता यह है दोस्तों कि भीखू भाई की एक दिन अचानक तीव्र इच्छा हुई कि मैं एक नारियल खाऊं। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक नारियल खाना है और अभी खाना है। उसकी पत्नी ने कहा कि नारियल खाना तो बाजार जाओ और बाजार से नारियल खरीद के लाओ और खाओ, किसने मना किया है। लेकिन भीखू भाई ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा तो नारियल के रुपए लगेंगे और मेरे पास तो रुपए है नहीं खर्च करने के लिए। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा, फिर रहने दो, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन इच्छा आखिर इच्छा होती है, चाहे वो कंजूस हो चाहे दातार हो। भीखू भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं बाजार होके आ जाता हूं, कम से कम ये तो पता चले कि आखिर नारियल कितने रुपए में मिलता है। हालांकि उसको पता था कि नारियल के 2 रुपए लगते हैं, लेकिन फिर भी वह बाजार का नाम लेके वहां से चल दिया। जैसे ही वह सब्जी मंडी पहुंचा, एक बहुत बड़ी रेड़ी के ऊपर एक आदमी नारियल बेच रहा था। उसने कहा, भाई साहब ये नारियल किस हिसाब से दिए। रेड़ी वाले ने कहा कि भाई साहब 2 रुपए का एक नारियल। तो भीखू भाई ने कहा, यार मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूं, तो मेरी हालत तो देख, मेरे को थोड़ा सस्ता दे, तो नारियल 1 रुपए में दे दे। लेकिन जैसे 1 रुपए का नाम लिया, उस रेडी वाले ने तुरंत उसके हाथ से वो नारियल छीन लिया। लेना तो लो, वरना अपना रास्ता ना पो। और यदि ज्यादा सस्ता चाहिए तो एक काम करो, आप यहां से थोड़ी दूर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह पे जाओ, वहां आपको थोक में हो सकता है 1 रुपए में नारियल मिल जाए। जैसे ही भीखू भाई ने 1 रुपए का नाम सुना, वो बड़ा लालची प्रवृत्ति का था, उसने सोचा मैं हट्टा कुट्टा हूं, तंदुरुस्त हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं चल के जा सकता हूं। तो दोस्तों 1 रुपया बचाने के चक्कर में भीखू भाई उस बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। चलते बंदरगाह पे पहुंचा और वहां नारियल का ढेर लगा हुआ था, तो गाड़ी पूरी नारियल से भरी हुई थी। तो जाके भीखू भाई ने उस गाड़ी वाले से पूछा, भाई साहब नारियल कैसे दिए। तो भीखू भाई को उस गाड़ी वाले जवाब दिया कि नारियल 1 रुपए में 1 नग दे रहा हूं। भीखू भाई ने कहा, यार मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, तो मेरी हालत तो देख, मैं पसीना पसीना आ रहा हूं, मेरे को तो ये नारियल 50 रुपए में दे। उसने कहा, लेना है तो 1 रुपया निकालो, वरना यहां से चलते बनो। इतना कहते ही भीखू भाई का चेहरा उतर गया, वो बिल्कुल उदास हो गया। जब उसके चेहरे की उदासी को उस गाड़ी वाले ने देखा, तो उसको अपने पर थोड़ा दुख हुआ कि मैंने इस आदमी को गलत बोल दिया। उसने कहा, भाई साहब यदि आपको 50 पैसे में नारियल चाहिए तो क्यों ना आप एक काम करो, यहां पास में बगीचा है, उस बगीचे में जाइए आप, वहां आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। तो जैसे ये बात सुनी, भीखू भाई बिल्कुल खुश हो गया और तुरंत बगीचे के लिए रवाना हो गया। जब वो बगीचे में पहुंचा तो वहां बागवान
नारियल तोड़ रहा था, तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर रहा था। एक उसका बेटा नारियल के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उसको नीचे नारियल डाल रहा था, वो इकट्ठे कर रहा था। उसको जाके भिखू भाई ने कहा, अरे भाई साहब, भाई साहब, नारियल कैसे दिए? भगवान ने भिखू भाई से कहा, नारियल 50 पैसे में एक। ये सुनते ही भिखू भाई ने कहा, यार मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, कम से कम मेरी इस मेहनत का प्रतिफल तो मुझे दे, मुझे 25 पैसे में दे। उसने कहा, नहीं भाई, 25 पैसे में नारियल नहीं दे सकता। यदि आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं आप उसका ना दो। ये सुनते ही भिखू भाई का चेहरा फिर उतर गया, वो उदास हो गया। जब बागवान ने उसके चेहरे पर देखा तो वो समझ गया कि मैंने कुछ इसको गलत कहा है। उसने कहा, तुम्हें फ्री में ही मिल जाएगा नारियल, तो आप 25 पैसे में क्यों खर्च करते हो? एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़ो और पेड़ पर जितनी आपकी मर्जी हो आप नारियल तोड़ो, बिल्कुल मुफ्त में ले लो, 25 पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही भीखो भाई प्रसन्न हो गया कि वाह, मुझे जो फ्री में मिल जाएगा तो आज मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, जी भर के नारियल खाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ उसने अपनी चप्पलें निकाली और नारियल के पेड़ पर चढ़ने का मानस बनाया। धीरे 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 धीरे, कभी वो बेचारा पेड़ पर चढ़े नहीं था, लेकिन लालच उसको पेड़ पर चढ़ाए जा रहा था। वो चढ़ता गया, चढ़ता गया और नारियल के पेड़ पर ऊपर तक पहुंच गया जहां नारियल लगे हुए थे। वहां उसने देखा कि मैं सबसे बड़े बड़े नारियल तोड़ूंगा। तो एक बड़ा नारियल तोड़ने के चक्कर में वो जैसे ही उस नारियल को लपक रहा था, ठीक उसी समय पेड़ का जो तना था उससे उसके पैर छूट गए और वो नारियल से लटकता हुआ रह गया। तो ऐसे लटकने लग गया। भिखू भाई भयंकर रूप से डर गया। उसने बागवान को आवाज लगाई, अरे भाई साहब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बागवान ने कहा, अरे भाई भिखू भाई, यदि आपको फ्री में नारियल चाहिए तो देखो यही हालत होगी। मैं आपसे कोई नारियल के पैसे थोड़ी ले रहा था, मैं मेरी मेहनत के पैसे मांग रहा था। अब फ्री में चाहिए तो अब अपने हिसाब से उतरो, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। भिखू भाई बड़ा दुखी हुआ। तभी दोस्तों क्या हुआ, कहते हैं कोई ना कोई तो पहुंच ही जाता है मदद के लिए। एक ऊंट वाला उधर से जा रहा था, तो ऊंट वाले को देखकर उसने भिखू भाई ने कहा, अरे भाई ऊंट वाले यार, मेरी मदद करो और थोड़ी मदद करके मेरे जो पैर हैं ये इस नारियल के तने से चिपका दो ताकि मैं नीचे उतर के आ जाऊं, नहीं तो मैं गिरूंगा और मरूंगा। उसकी बात सुन के ऊंट वाले को रहम आ गया। उसने अपना ऊंट पास में किया और पास करके ऊंट के ऊपर खड़ा हुआ और भिखू भाई के दोनों पैरों को ऐसे धक्का देकर वो नारियल के पेड़ के तने से चिपकाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय ऊंट नीचे से खिसक गया, क्योंकि ऊंट को कुछ खाने के लिए हरी हरी घास नजर आ गई। ऊंट नीचे से खिसक गया। जैसे ही ऊंट खिसका, ऊंट वाले ने सोचा मैं गिरूंगा, तो उसने तुरंत भिखू भाई के नीचे से पांव पकड़ लिए और वो भी उसे लटक गया। अब ऊपर भिखू भाई नारियल से लटके हुए हैं और ऊंट वाला भिखू भाई के पैरों से लटका हुआ है। अब तो भिखू भाई की हालत और भी देखने लायक थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। ऊंट वाला भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी दोस्तों वहां पे एक घोड़े वाला पहुंचता है और वो दोनों उस घोड़े वाले से निवेदन करते हैं कि भाई साहब, कैसे भी करके हमें बचाओ। अब घोड़े वाला सोचता है कि भाई इनको बचाना जरूरी भी है, इनके चोट लग जाएगी, मर जाएंगे। तो वह अपना घोड़ा अपने उसके उनके पास में करके उस पे खड़ा हो गए और उनके पैरों को धक्का मारकर नारियल के पेड़ से चिपकाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय उसका घोड़ा भी हरी हरी घास देख के और वहां से खिसक लिया। सबसे ऊपर भिखू भाई, उसके नीचे ऊंट वाला, उसके नीचे घोड़े वाला,
तीनों आपस में लटके हुए हैं। तीनों की हालत देखने लायक है और सबसे बुरी हालत हुई भूखू भाई की, क्योंकि उसके तो दो नीचे लटके हुए थे। अब दोस्तों जब तीनों लटके हुए हैं और आने जाने वालों से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें नीचे उतारो नीचे उतारो, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, जो सबसे नीचे है घोड़े वाला वो ऊंट वाले से कहता है, भाई साहब ये ऊपर इस भिखू भाई के पैर मत छोड़ देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दे दूंगा, प्लीज इसके पैर मत छोड़ देना। ये बात सुनते ही जो ऊंट वाला था उसने भिखू भाई से कहा है, भिखू भाई प्लीज इस नारियल को मत छोड़ देना, मैं तुम्हें 200 रुपये इनाम दे दूंगा, तब तक कोई हमें बचाने के लिए आ जाता है, प्लीज इस नारियल को मत छोड़ देना। अब भिखू भाई ने देखा कि 100 रुपये नीचे वाले दे रहा है, 200 रुपये ऊंट वाला दे रहा है, तो ये तो 300 रुपये हो गए और नारियल फ्री हो गया। इस खुशी में और भिखू भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने कहा 300 रुपये। उसने नारियल छोड़ दिया, नारियल छोड़ते ही धाम से नीचे गिरे और इससे पहले कि वो संभल पाते ऊपर से वो नारियल टूट के भिखू भाई के सर पे गिरा था। और ये वो भी बिल्कुल मुफ्त।